फाइनली हमारा कैंपिंग टेंट रेडी है। अभी सामान हम हटा लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा पावर बैंक तो डिस्चार्ज क्या हो गई है, सामान अब पावर बैंक में इसमें कैंपिंग टेंट में डाल देंगे हम। ठीक है, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ, ये दिक्कत करेगा। चलो निकाल लिया है कैंपिंग टेंट। अभी एक कुल्हाड़ी उलाड़ी हम रख लेते हैं अपने पास में, कैंपिंग टेंट के अंदर ही रख देंगे इसको। थैली थैली को भी हमें रखना है क्योंकि वापस लेके जाना है इनको, थैली हम यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। तो कैंपिंग टेंट पूरा कंप्लीट रेडी है, ये देख सकते हैं। और चारों तरफ का माहौल भी आप देख सकते हैं, एकदम पहाड़ पे है ऊपर विपुरी में। अब ऐसे लोग बोतल छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एकदम हवा चल रही है लेकिन पूरा प्रॉपर झेल रहा है। अभी हम सामान को रख देते हैं यहाँ पर कैंपिंग टेंट के अंदर, रख देंगे सामान। वैसे तो क्या देता कोई सामान, ये खाने का तो हाल बुरा हाल हो गया है। अभी कैंपिंग टेंट के अंदर हम माहौल देखते हैं, और बाहर का माहौल तो आप देख ही रहे हैं जैसा। कैंपिंग टेंट का पूरा सर्वे करवा देता हूँ। देखिए दो जॉइंट तो यहाँ पे बंधे हुए हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से बंधा हुआ है। एक यहाँ पे बंधा हुआ है, फिर दो जॉइंट यहाँ पे बंधे हुए हैं, दो हमने हैंगर यहाँ पे लगा दिए हैं। और वैसे आपने इंस्टॉलिंग के समय भी देखा एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी दो लगे हुए हैं और एक यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब हर डायरेक्शन में लगा हुआ है। यहाँ पे भी लगा हुआ है, बंधा हुआ है। और हवा का स्पीड तो आप देख रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा तेज़ हवा चल जाए, हवा भर के हम इसमें बैठे हो हम भी उड़ जाए और उधर जाके दूसरे जाके पहाड़ पे जाके गिरे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और बाकी चारों तरफ का माहौल तो एकदम मस्त सीन है, लेकिन क्या है अभी अंधेरा हो जाएगा क्योंकि दो एक घंटे बाद, एक घंटा तो मेरे हो गया है यहाँ पर। देखता हूँ खाने में कुछ बचा है क्या, क्योंकि खाने का तो बुरा हाल हो गया है। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा क्या है, कैसा है ये अंदर से। तो इसको खोल लेते हैं हम कैंपिंग टेंट को, इसमें अंदर तो बैठना ही है अपने को। ठीक है, ये खोल लिया है, अंदर का देख लेते हैं अंदर से कैसा है। तो देखिए कुछ सामान तो मैं डाल दिया हूँ उसमें, ये देखिए अंदर इतनी सारी जगह है। अपन अंदर ही चलते हैं, चप्पल तो बाहर रख देते हैं क्योंकि चप्पल उठ सकती है, घूम ही सकती है। लेकिन इधर की साइड क्या बरसात का माहौल कम है, मतलब हवा कम है। तो ये आ गए हम अंदर, तो अंदर बैठ के अभी आराम से मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर हमारा सामान रखा हुआ है, ये सामान रखा हुआ है, अभी तो गीला हो गया है और काफ़ी जगह है अंदर, तो अंदर आराम से बैठ सकते हैं। और बाहर का सीन तो हम देख लेते हैं, बाकी अभी खाना वाना खा के हम वापस से एक बार और सर्वे करवाएंगे इसका। थोड़ा सा मैं हथौड़ी बतौड़ी भी बाहर रख देता हूँ क्योंकि हथौड़ी की ज़रूरत नहीं है, हम खाना यहीं पे खाएंगे। अब देख लेते हैं खाने में क्या है, क्या बचा है क्या नहीं बचा। हथौड़ी तो मैं रख देता हूँ उसमें, या अगर भी डाल सकता हूँ हथौड़ी को बाहर रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कितनी हवा चलेगी, कितना सहन होगा। खाने का तो मेरे को लग रहा है यार अभी अंदर तो नहीं खाना चाहिए, बाहर ही खाना चाहिए, कुछ बचा नहीं है खाने में। एक चम्मच निकाल लेता हूँ वैसे, अरे यार ये भी गीला हो गया पूरा। अभी बरसात आए कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेस चेंज कर सकते हैं हम चाहे तो। बाकी इसमें सेफ है सामान, भीगा तो नहीं है खैर। और ये टॉर्च में लाया हूँ करंट वाली, क्या पता कि अकेला कोई आ जाए तो चल नहीं रहा क्या, चल नहीं रहा यार, ख़राब हो गया। ओहो रुक रुक रुक, तेज हवा नहीं चल रही है बाहर, ये चल नहीं रहा, चला हाँ चलने लग गया। हाँ, कोई आ जाएगा तो बच जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई आएगा नहीं, पर आ भी गया कोई गलती से तो बच जाएंगे। ये छोटा ट्राइपॉड, टी शर्ट वी शर्ट तो हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से चम्मच निकाल लेता हूँ क्योंकि क्या है मेरे पास वो है चावल, तो चावल तो खा लेंगे, चावल तो बचे ही होंगे, बाकी सब्जी वब्जी तो सब मिक्स हो गया होगा। एक बार देख लेता हूँ मैं इसका सीन कहाँ तक कवर कर रहा है। आ जा, मैं बाहर भी रख सकता हूँ वैसे तो इसको,
थोड़ा सा हम खा लेते हैं खाना अभी। थैली तो है बाहर ही, चम्मच बाहर, ये बाहर की साइड ही खाएंगे क्योंकि खराब हो गया थैली। देखते हैं क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, मेरे को लगता नहीं कुछ बचा है। सब्जी सबकी माँ बहन हो गई थोड़ी थोड़ी, सब्जी थोड़ी सी क्या बचा है क्या मालूम, बाद में कुछ रोटी ही नहीं बची यार, सब्जी से क्या बची हुई। आज तो चावल का वो दिया था बना के, चलो कोई नहीं जैसे भी है, गर्मियों को तो कुछ खा लेंगे। मोबाइल बैटरी चार्ज रख देता हूँ, सब्जियों का क्या हो गया है देखो, बहुत बेकार माहौल हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम काम चला लेंगे। इसको मैं बाहर की साइड रख देता हूँ कैमरे को, ताकि व्यू वगैरह अच्छा सा चले। आ जा आ जा, बेकार मावला, इसमें क्या चावल है, ये रोटी नहीं है, चावल का कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या है। सब्जी फैल गई पूरी, चलिए वो कैश टिफिन में डाल देते हैं क्योंकि हम घूमने आए हैं, तो थैली यहाँ पर नहीं डाल सकते। थैली क्या है, मैं टिफिन में डाल लिया हूँ, सब्जी वब्जी तो क्या नॉर्मल हो जाएगी सही, थैली टिफिन में डाल दिया हूँ क्योंकि पॉलीथीन हम यहाँ पर डाल के नहीं जा सकते। बाकी रोटी वोटी तो क्या कल जाएगी, रोटी वोटी छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
इस थाली में टिफिन को रखेंगे, इसको बाहर रख देंगे। आ गई, अब गेट बंद करना पड़ेगा मुझे। बता बरसात आ गई, अंदर ही खा लेते हैं। इसको बंद कर देते हैं गेट को, बाकी तो मिल जाएगा। चले जाते हैं अंदर। इसको कर देते हैं मेन गेट को बंद। अरे लग जा रहे यार। एक हाथ से लगाने में दिक्कत है यार, दूसरा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हाथ में। लग जा, अब कोई दिक्कत नहीं है। आते ये कितनी भी तेज आ बारिश, ये बात इसमें गंदा हो गया क्या, उसको ऐसे पकड़ लेते हैं। हाँ कोई टेंशन नहीं है, बाहर क्या हो रहा कोई मतलब नहीं है हमें। ये क्या है चम्मच करके क्या, अरे चाबी गिर गई, चाबी डाल देते हैं इसमें। बाहर बारिश हो रही है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। झरने की बहुत भयंकर आवाज आ रही है बाहर से। अरे पानी बोतल कम रही है। बहुत भयंकर बारिश हो रही है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश।
सही बात है। बाहर कितना होता है।